सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो हिंदी दिवस है हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं हमको एक लैंग्वेज में बांधने की कोशिश करता है, पर लेकिन हमारे जैसी जो डाइवर्स कंट्री है उसमें एक लैंग्वेज में बांधना भी बड़ी मुश्किल बात है। आप लोग जर्मनी में जाओगे, फ्रांस में जाओगे, या फिर चाइना में जाओगे, जापान में जाओगे, यहाँ पर मोर और लेस ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। पर लेकिन अगर अपनी कंट्री के बारे में हम लोग बात करें, हमारी कंट्री दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री है। इतनी सारी लैंग्वेज है कि आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। तो यानी कि जरा जरा सी दूर जाओगे तो आप लोगों की लैंग्वेज चेंज होती नजर आएगी, थोड़ा सा और दूर जाओगे तो आप लोगों को जो पानी का टेस्ट है वो चेंज नजर होता हुआ आएगा। तो इसीलिए हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है। आप लोग अपनी लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हैं, आप लोगों की लोकल लैंग्वेज कौन सी है जो आप लोगों को सबसे प्यारी भी लगती है बोलने में। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ में आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में टॉप 5 बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, ये सर्च करना है आप लोगों को। यानी कि टॉप 5 जो लैंग्वेज हमारी कंट्री में बोली जाती है आज की डेट में वो कौन सी है, उसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए आज की मोटिवेशन कोड देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। हम लोग क्या रहते हैं, कई सारे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, हमको ये लगता है कि ये इंसान हमसे दूर हो जाएगा। पर लेकिन आप लोग ये बात याद रखिए, जो रियलिटी में आप लोगों से कनेक्ट है, जो रियलिटी में आपका सच्चा दोस्त है, वो कभी भी आप लोगों से दूर नहीं होगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए। तो रियल फ्रेंड, जो रियल फ्रेंड है वो, उसको आप लोग कभी लूज नहीं करेंगे। अगर कोई दूर जा रहा है आप लोगों से तो ये अच्छी बात है, वो आप लोगों के लायक था भी नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लाइफ में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो लगता है कि प्रॉब्लम के टाइम पर आप लोगों को छोड़ के भाग गया है और आप लोग उसको लेकर टेंशन में है कि यार ये दोस्त था, यार चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं, ऐसे दोस्त तो बहुत पहले चले जाने चाहिए। ऐसे दोस्त अगर पास में रहेंगे तो वो आप लोगों को हमेशा कमजोर कर कर रखेंगे, क्योंकि वो कभी भी आप लोगों के साथ में थे ही नहीं, वो जस्ट अपना फायदा निकालने के लिए आप लोगों के साथ में थे। तो इस तरीके की चीजों को माइंड में बर्डन बढ़ाकर कभी भी आप लोगों को टेंशन में नहीं जीना है, फ्री माइंड आप लोगों को अपने आप को रखना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात और एक छोटी सी हिदायत आप लोग बोल सकते हैं देनी थी आप लोगों को, जो कि आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कोरोना वायरस के केसेस के बारे में। 93,000 के करीब केस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में डेली 90,000 से ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी लगन से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही हम लोग टॉप पोजिशन पर होंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम में हम लोग टॉप पोजिशन पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो अगर बात करें हमारी कंट्री में लगभग 1,000 के करीब लोगों की जान डेली जा रही है। यूएसए जो है वो इस तरीके से तो जल्दी ही हम लोग को कवर कर लेंगे, क्योंकि लगभग 3-3 गुना यूएसए से ज्यादा केस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो 20-22 दिन में ही हम लोग यूएसए को पीछे छोड़ देंगे अगर इसी स्पीड से हम लोग चलते रहे तो, क्योंकि ब्राजील ऑलरेडी पीछे रह चुका है, जो कि काफी ज्यादा हमसे आगे चल रहा था। आज की डेट में जो 10 लाख का आंकड़ा क्रॉस करने वाली 4 कंट्री है, यूएसए, इंडिया, ब्राजील और रसिया। तो ये हल्का सा याद रखिएगा। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कितने लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 की वजह से, तो ये भी 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। यानी कि 9,27,803 लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से आज के डेट में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो काफी बड़ा नंबर आप लोग ये बोल सकते हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये बीमारी कहां जाकर रुकेगी। हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन अभी आने वाली है लगभग फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी 2021 के, यानी कि जिनको लग रहा है कि 2020 में दवाई आने वाली है तो एक्सपेक्टेशन काफी कम है, क्योंकि एक दवाई को बनाने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो देखते हैं कब तक चीजें जो होती हैं वो नॉर्मल पैटर्न में आ पाती हैं। सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि आप लोग अपने आप को सिक्योर रखिए, सेफ रखिए, और जितना वो आप लोग काम कर पाएंगे उतना ही ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए अच्छे हैं और आप लोगों के परिवार के लिए भी। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है नियाबे, जाकर मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, एक एक कर एक नजर डाल लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में जो लोकसभा है उसमें डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। तो इसके बारे में क्या बातें की जा रही है, और आज है 14 सितंबर, आज से हमारी कंट्री का जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके चलते ये आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आर्टिकल के ऊपर यहां पर नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर दिखाया गया है। तो बोला जा रहा है कि पेंडेमिक के चलते जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, तो इसके चलते जो बच्चे को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो,
जो चाइनीज कंपनी आज के में हमारी कंट्री में जो एक गैप बना रही है, एक तरीके से यहां पर उनको बाहर भगाया जा रहा है, तो हमारी कंट्री में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो क्या हमारी कंट्री की जो कंपनी है वो उसको फिल कर पाएंगी और किस तरीके से यहां पर हम लोग को आगे बढ़कर चलना चाहिए, उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये, आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। कैंसर बर्डन के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो इस आर्टिकल को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और यहां से आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि औरत में, और अगर बात करें आप लोग एक तरीके से मेल में और फीमेल में, कि सबसे ज्यादा कैंसर के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो यहां पर देखने को मिलते हैं, किस तरीके कैंसर लड़कों में ज्यादा होते हैं, किस तरीके के कैंसर लड़कियों में ज्यादा होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। आज है मंडे, मंडे को यहां पर ये एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये कार्टून है और ये कोविड 19 के बारे में है, कहां कहां पर कितने केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाला जो आर्टिकल है ये फिर से इंडिया और चाइना के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कंडीशन क्या चल रही है। अभी हमारी कंट्री में और चाइना के लेकर बीच में एलएसी को लेकर काफी ज्यादा झड़प यहां पर देखने को मिल रही थी, कई सारे महीने कंटिन्यूअसली यहां पर इसी पैटर्न में हम लोगों को हो गए थे, तो इसके चलते अभी यहां पर जो सामने बात निकल कर आ रही है बोला है कि स्टेटस को बनाकर रखेंगे। स्टेटस को का मतलब होता है हिंदी में यथास्थिति, यानी कि पहले जहां पर थे फिर से हम लोग अपने आप को वहीं पर ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है वो इतने लार्ज स्केल पर पहुंच गई थी कि फायरिंग काफी लंबे समय बाद जो बॉर्डर पर देखने को मिली। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री के जो आज के डेट में जो हमारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहां पर जयशंकर प्रसाद और इसी के साथ में वोंग जो है यहां पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग देखने को मिली, जिसके चलते जो स्टेटस को बनाने की बात की जा रही है, यथास्थिति को मेंटेन रखने की बात की जा रही है। देखिए अपने में और चाइना में अगर आप लोग चीजों को कंपेयर करेंगे ना, हमारी कंट्री ने हमेशा से चाइनी के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की है, पर चाइना का जो बिहेवियर है अग्रेशन का और दूसरी कंट्री को सप्रेस करने का, वो उसका हर एक कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और वो इंडिया को भी उसी तराजू में तोलता है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती है। यानी कि सामने वाले की दो टेरिटरी पकड़ लो और उसमें से एक टेरिटरी को बोलेंगे छोड़ देंगे अगर दूसरी हमको दे दो, यानी कि उसी का सारा सामान लेकर उसी के साथ में मोल भाव करता है। तो ये चाइना का पुराना रवैया है और वो फिर से ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते इंडिया और चाइना में अभी यहां पर स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, पर लेकिन शांति बना के रखना चलना काफी ज्यादा जरूरी है, ये बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इंडिया के और चाइना के बारे में आप लोग देखोगे तो कई सारे एग्रीमेंट आप लोग पास्ट में बोल सकते हैं जो कि यहां पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। जो फर्स्ट एग्रीमेंट है जो हमारी इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिला था, वो यहां पर ये सारी चीजें होने के बाद में बाउंड्री को लेकर 1993 में देखने को मिला था, जब यहां पर 1962 की वॉर हो गई और उसके बाद में आगे बड़ी चीजें, तो 1993 में यहां पर फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को लेकर, पर लेकिन उसमें भी कोई ऐसी क्लैरिटी लेकर ये नहीं आए कि बाउंड्री को लेकर किधर चलना है, क्योंकि मैप पे तो आप लोग लाइन खींच दोगे पर लेकिन ग्राउंड में एग्जैक्ट वो लाइन कहां पर आप लोग खींचोगे वो चीजें क्लियर करना काफी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा ही उबड़ खाबड़ एरिया देखने को मिलता है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल देखने को मिलेंगे, तो एग्जैक्ट लाइन डिमार्केट कर देना कि भैया ये हो गया इंडिया और ये हो गया चाइना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसका फायदा बार बार यहां पर चाइना उठाता है। इसी के चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो जहां जहां पर भी ऐसी एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है, वहां वहां चाइना जो है वो ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो दोनों कंट्री की भलाई इसी में, दोनों न्यूक्लियर पावर है, चीजों को नॉर्मल चल के चला जाए आगे लेकर और एक प्रॉपर पैटर्न बना के रखा जाए और कोशिश करें कि दोनों मिलकर इस बाउंड्री के इशू को जल्दी से जल्दी सोल्व करें, वरना जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी रहने वाली है, ऐसा कोई हरकत दिख नहीं रही है। जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट एक तरीके से पॉपुलस कंट्री और पावरफुल कंट्री इस तरीके से चल रही है, तो ये सोचने के लिए यहां पर मजबूर करता है। तो यही यहां पर एक ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो साइड में ये आर्टिकल है ये बेसिकली ये बता रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो आज के में गड्ढे में चल रही है और कई सारे सेक्टर जो है इंडस्ट्री के सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं, ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी कंट्री जो है वो पटरी पर आ सकती है। तो वही बातें यहां पर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से समझने, और लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को लगता है कि डाउनलोड करनी है यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने टेलीग्राम पर 27 के करीब जो इंटरलिंकिंग जो स्कीम है रिवर्स रिलेटेड वो शेयर की है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक तरीके से रिविजन के पॉइंट ऑफ से काफी अच्छी रहेंगे, ठीक है। तो ये जिस तरीके से जो रिवर कनेक्ट होती है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो उसके बारे में मैंने वहां पर शेयर की हैं चीजें, टोटल 27 है जो न्यूज में भी रहती है और उन्हीं में से लगभग अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का बन जाएगा। स्टडी लवर वीर के नाम से यहां पर टेलीग्राम है और लगभग 1,16,000 के करीब बच्चे यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसी को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे चैनल बने हुए स्टडी लवर के नाम से, उनको ज्वाइन मत कीजिएगा। तो ये है एग्जैक्ट, जो कि वीडियो के नीचे लिंक मिल जाता है, वहां से जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
आज का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है आप लोगों के सामने, ये पिक्चर को निहारिए और इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, कुछ आप लोगों को लिखना है तो क्या आप लोग लिख पाएंगे, कुछ ऐसे शब्द आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि 40 से 50 शब्द आप लोग यहां पर लिखने हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश को शॉर्ट में कीजिएगा, ठीक है। इस पिक्चर को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, तो एक तरीके से आप लोगों को यहां पर इसके बारे में सोचना है और लिखना है। तो ये है बेसिक क्वेश्चन जो कि आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, आइए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं, हम लोग यहां पर नजर डालेंगे कैंसर के केसेस के बारे में और किस तरीके से क्या क्या बर्डन बढ़ रहा है। खासकर अगर बीमारी के बारे में आप लोग बात करें तो बीमारी कई सारी है, पर लेकिन कैंसर के केसेस जो है हमारी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर लेकिन मैं आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड का नजारा पहले दिखाता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां कहां पर कैंसर के केसेस किस तरीके से देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस जो है वो एशिया के अंदर में है। एशिया के अंदर में वर्ल्ड का लगभग 48% के करीब कैंसर के केस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ये बात यहां पर बोली जा रही है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जितने कैंसर है उसके 48% कैंसर जो है वो कहां पर है, वो है एशिया के अंदर में, जिसमें 8,75,000 के करीब कैंसर के केस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफी सोचने वाली बात है, और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तब होगी जब इस आर्टिकल के अंदर में अंदर घुसूंगा और उस टाइम पर आप लोग इंडिया की हालत देखेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं यहां पर यूरोप, जिसमें 23% वर्ल्ड के कैंसर के केस देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर अफ्रीका और पांचवें नंबर पर ओशियाना जो एरिया है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड का कैंसर का नजारा है। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों को देखूं यहां पर थोड़ा सा अंदर घुसकर हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें तो कई तरीके कैंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे टॉप पर जो हमारी कंट्री में चलता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अदर कैंसर के अलावा, जो ब्रेस्ट कैंसर है। जो औरतों के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट करता है, और खासकर अगर पहले जमाने में आप लोग देखिए ये काफी बड़ा रीजन भी था खासकर औरतों की जान जाने का। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर में, जिसके चलते यहां पर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है यहां पर औरतों का बचना, क्योंकि इसको प्रॉपर टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। हमारी कंट्री में लोग इतने जागरूक नहीं है कि टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का स्कैन कराते रहें, अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहें। वो तब बीमारी अगर कोई होती है तो तब कोई चेकअप हो जाता है तो हो जाता है, वरना कितने ऐसे लोग हैं जो खुद जाकर बॉडी का चेकअप कराते हैं हर छठे महीने, उनको लगता है कि चेकअप कराना चाहिए। तो ये आप लोग खुद अपने आसपास देखेंगे तो आप लोग माहौल को समझ जाएंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये कैंसर सारे आप लोगों को मैं भी आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा, तो इनके बारे में सबके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हुआ भी चलूंगा। तो समझ लेते हैं, आइए अंदर आर्टिकल में क्या क्या बातें यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये बात आनी चाहिए कि आखिर ये आर्टिकल हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के द्वारा जो कि अगस्त 2020 में निकल कर आई है, ये बोला गया है कि नंबर ऑफ कैंसर केसेस जो है हमारी कंट्री में वो 13.9 लाख आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फिलहाल आज के दिन में अगर कैंसर की बात करते हैं हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर केसेस बढ़ते हुए आप लोग को नजर आ रहे हैं। इंडिया में अगर आप लोग बात करें यहां पर अगर बात करें काफी पुराने डेकेड से, यानी कि दशकों से हमारी कंट्री में जो कैंसर के केस हैं वो बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, घटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी अगर बात करें 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के ऊपर जो कैंसर बर्डन है वो 2.6 के करीब यहां पर इंक्रीज हो गया है 1990 से लेकर 2016 तक, यानी कि लगभग 2.5 गुना करीब आप लोग बोल सकते हैं बढ़ गया है, और कैंसर की वजह से जो जान जाने वाले लोगों की संख्या है वो लगभग डबल हो गई है। तो ये इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है कि किस कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ में एक बार शेयर भी किया था, मेरा एक दोस्त था जो मेरी हम उम्र था तो उसको कैंसर हुआ, तो उसकी वजह से मैं पहली बार किसी कैंसर हॉस्पिटल में गया और वहां पर मैं जाकर लगभग 1 से 1.5 घंटा रहा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहां पर लगभग 15 से 20 क्या कई सारे लोगों की जान चली गई, कभी किधर से रोने की आवाज आ रही है, कभी किधर से रोने की आवाज आ रही है। तो मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर इतना दिमाग खराब वहां पर हो गया, ऐसा लग रहा था कि यार मतलब पता नहीं कहां पर मैं आ गया हूं। मतलब जरा सी देर में पता चल रहा है यार उस वाले रूम में उसकी जान चली गई, जरा सी देर में पता चल रहा है कि अच्छा यहां से रोने की आवाज आ रही है, यहां पर कोई आदमी मर गया। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में कैंसर का बर्डन बहुत बड़ा है, और मैं तो वहां जब डॉक्टर को देख रहा था वहां पर जो भी इस तरीके से वहां पर जो इलाज कर रहे हैं और नर्सिस को देख रहा था, मतलब हिम्मत है यार पूरे दिन उस माहौल में रहना, इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत दयनीय कंडीशन है अगर कैंसर के केसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैंसर के केसेस जो है सबसे बड़ी कंडीशन हमारी कंट्री में, जो खतरनाक कंडीशन है क्यों है, हमारी कंट्री में हेल्थ को लेकर जो लोग हैं ना वो ज्यादा अवेयर नहीं है। अगर बात करें 2/3 जो कैंसर के केसेस है हमारी कंट्री में वो तब पता चलते हैं जब वो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम लोग अपनी जो बॉडी है उसका कंटिन्यूअस चेकअप नहीं कराते हैं। हमारी कंट्री में हेल्थ सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो कई तरीके के कैंसर यहां पर बताए गए हैं जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर है औरत में और एक तरीके मतलब लड़का और लड़की में, या फिर मेल और फीमेल में आप लोग बोल सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला कैंसर जो सबसे ज्यादा बोला गया है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, लंग का कैंसर। ठीक है, तो जो लंग के अंदर जो कैंसर देखने को मिलता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेल के बारे में और फिर फीमेल के बारे में। तो जो चार कैंसर पहले हम लोग यहां पर जानते हैं जो मेल के, यानी कि जो यहां पर बेसिकली लड़कों में देखने को मिलते हैं, लंग का हो गया, ओरल हो गया, स्टोमक हो गया और इसोफेगस हो गया, इसको घेंगा बोलते हैं बेसिकली। जो लंग का कैंसर है ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये इस तरीके से जो बॉडी का पार्ट होता है यहां पर आप लोगों को कैंसर देखने को मिलेगा। ओरल कैंसर के बारे में बात करें तो मुंह का कैंसर है, एक्चुअली उसकी भी पिक्चर में लगाने वाला था पर लगाया नहीं, क्योंकि उस जब मैं यहाँ पर ये पीपीटी बना रहा था तो उस टाइम पर मैं कॉफी पी रहा था और जैसे ही मैंने पिक्चर देखी मैंने उसको साइड में कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने कई बार जब मूवीज देखी होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है ना, बिल्कुल गला सड़ा हुआ सा जो मुंह दिखाया जाता है, कटा हुआ सा, तो उस तरीके की वजह से वो कैंसर देखने को मिलता है। खासकर वो जो कैंसर होते हैं उस तरीके के, वो बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा खाने की वजह से होते हैं, जो वो वाली कंडीशन बनती है। तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर इंसान की होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरेस्टिंग बात जो मुझे देखने में लगती है वो ये है कि जब भी आप लोग सिगरेट पीते हो, पान, गुटखा, मसाला खाते हो, इन पर सब जगह पिक्चर बनी होती है उस तरीके की, पर लेकिन इंसान जो है ना उस टाइम पर उसको इग्नोर करता है। वही कहते हैं ना कि जब इंसान, उन्हें कहते हैं कि एक डायलॉग है, आप विपरीत काले बुद्धि, कुछ ऐसा करके डायलॉग है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये आपात काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना, तो वो टर्म कई बार ना दिमाग से निकल जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि एक तरीके से पता है उसको कि जो वो खा रहा है वो विनाश करने वाला है, पर लेकिन फिर भी बुद्धि जो है वो घुटनों में चली जाती है और इंसान कंटिन्यूअस उस चीज को करता रहता है। तो यहां पर ये सारे जो कैंसर आप लोगों के सामने यहां पर देख रहे हैं, ये जो घेंगे वाला है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कई बार लोगों का जो गला है आप लोगों ने देखा होगा वो पक, एक तरीके से पक सा जाता है, ठीक है, तो उस तरीके कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेट के अंदर कैंसर यहां पर कई बार, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि एक पर्सन में देखने को मिलते हैं, एक मेल में देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट जो कैंसर के बारे में बात की जा रही है वुमेन से रिलेटेड, और जैसे कि आप लोगों ने पैडमैन मूवी देखी होगी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहां पर इस तरीके के जो कैंसर होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो जननांग होते हैं खासकर जब बच्चा पैदा किया जाता है वो बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें ये कैंसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आप ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है जिनको गर्भाशय ग्रीवा में आप लोग यहां पर कैंसर देखने को मिलेगा, ओवरी में कैंसर यहां पर देखने को मिलेगा, और यहां पर गल ब्लैडर, जो कि यहां पर ये गल ब्लैडर ये वाला हो गया, बाकी ये वाले कैंसर आप लोग यहां पर देखिए, ये वाले जो कैंसर है यहां पर ओवरियन कैंसर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पर्टिकुलर इस पोर्शन में आप लोगों को बॉडी के पार्ट में नजर आएगा। ब्रेस्ट कैंसर तो इतना कॉमन है हमारी कंट्री में कि ये काफी ज्यादा खतरनाक पोजिशन क्रिएट करता है। अगर खासकर बुजुर्ग के बारे में बात करें तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जिनकी जान जाती है, अगर इंडिया में आप लोग एस्टिमेशन इसका लगाकर देखोगे। और ये जो तीसरे नंबर का जो कैंसर है यहां पर, ये बेसिकली ये सर्विक कैंसर, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है यहां पर, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है यहां पर आप लोगों को बेसिकली एक कैंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि देखिए एक तरीके से जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, हम लोगों को उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। और खासकर जैसे कि यहां पर एक बार मैं न्यूज पेपर में साथ कोई आर्टिकल था किसी न्यूज पेपर में या फिर मैं किसी एनालिसिस में सुन रहा था, जो नारियल का जो तेल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग नहाकर आते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स को सुखाकर नारियल का तेल लगाएंगे तो इचिंग वगैरह भी आप लोगों को नहीं होगी, और वो काफी इंपॉर्टेंट एक नेचुरल एक तरीके से मेडिसिन की तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें नारियल का तेल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप लोग जरूर यूज कीजिए। इससे क्या रहेगा, आप लोगों की बॉडी में खासकर इचिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे। गर्मियों के मौसम में काफी बड़ी प्रॉब्लम खासकर स्किन से रिलेटेड यहां पर देखने को मिलती है। तो ये चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग खुद ध्यान रखेंगे और खुद अवेयर रहेंगे तो इनके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, समझते नहीं है, समझाते नहीं है, तो ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आगे चलकर ये इंसान की जान ले लेती है। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि जान है तो जहान है, कम से कम अगर जान रहेगी तो हम लोग इन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये समझिए और इनके बारे में ध्यान रखिए थोड़ा सा, और टाइम टू टाइम अगर बॉडी चेकअप होता रहे तो इन सब बीमारियों से हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को काफी आसानी से बचा पाएंगे। तो ये काफी बड़ा रीजन यहां पर है। तंबाकू जो हमारी कंट्री में बोला गया है मेजर अवॉइडेबल रिस्क है, यानी कि जिसको अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे रोड पर एक्सीडेंट होता है ना, इंसान की जान चली जाती है, तो तंबाकू खाएगा नहीं इंसान, तो यहां पर तंबाकू नहीं खाएगा तो कैंसर से बच सकता है। 27% जो केसेस हैं जो यहां पर तंबाकू की वजह से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं।
हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में टोबैको कंज्यूम करने में हम कहीं पीछे नहीं है। मुझे लगता है सर सेकंड नंबर पर है चाइना के बाद में, आई थिंक चाइना टॉप पर है। बाकी डेटा आप लोग सर्च कर लीजिएगा, एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टॉप पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। काफी पहले पढ़ा था जब तो शायद चाइना था टॉप पर, दूसरे नंबर पर इंडिया था। आज की डेट में कौन है देखिएगा आप लोग एक बार, मैंने सर्च नहीं किया, आप लोग सर्च कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये सिचुएशन आज के डेट में, वो सिचुएशन है जिसको हम लोग इजिली अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ में शराब दारू पीना, एक इन अप्रोप्रिएट डाइट लेना, कुछ भी खाए जा रहे हैं बाहर, एक बार बताऊं कोरोना का सबसे ज्यादा फायदा क्या देखने को मिला है, हमारी बुद्धि और हमारी आदत सुधरती जा रही है। आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर जो हैं नॉर्मली कोरोना में बिजी हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन जो दूसरी बीमारी है ना वो काफी हद तक यहाँ पर कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग घर का खाना खा रहे हैं, हम लोग अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ वगैरह हम लोग धुल रहे हैं, ये सारी चीजें काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो अल्कोहल, शराब, अच्छी डाइट लेना, ये यहाँ पर काफी एक सही चीजें होती है, पर लेकिन इनअप्रोप्रिएट डाइट लेना ये कैंसर का एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा लो रहती है आज के डेट में। कहीं पर भी आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लिफ्ट लगी होती है, तो कोशिश कीजिए कि अगर लगभग 5 मंजिल तक आप लोग जा पाते हैं तो 5 मंजिल तक बिना लिफ्ट का यूज किए हुए आप लोग चलने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एक अलग बात है, पर लेकिन आदत बनाने की कोशिश कीजिए। ओबेसिटी जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आज के डेट में मोटापा, क्योंकि जो हमारा रहन सहन हो गया है, ये रहन सहन हमारा कहीं ना कहीं बीमारी को आमंत्रित करता है। इसी के साथ में पॉल्यूशन, चाहे वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करिए, चाहे आप लोग एयर पोल्यूशन के बारे में बात करिए, तो ये हर जगह आप लोगों को अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते जब कैंसर किसी कंट्री में देखने को मिलता है, आप लोग ये समझिए कोई एक हष्ट पुष्ट इंसान है उसको कैंसर है, वो इंसान को कैंसर है, कमाने वाला घर में अकेला है, उसकी जान चलेगी, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एक परिवार के ऊपर। और उसका इलाज कराने में ये परिवार जो है, मान लीजिए इसने 10-15 लाख रुपए लगा दिए, तो ये परिवार आगे पनप नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी जीवन भर की जो पूंजी है वो उसी में लगा दी। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक एक ट्रेमेंडस इंपैक्ट, यानी कि ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये सारी वो चीजें जिनको रिड्यूस किया जा सकता है, ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है कि इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इनको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि पेंडेमिक एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यहां पर रोकता है एक तरीके से, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। और यहां पर जो नीड है वो 3 चीजों पर फोकस देने की बात की जा रही है। रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग आसानी से, अगर अर्ली डिटेक्शन पता चल जाए, एक तरीके से प्रॉपर वे में प्रोग्राम करके हम लोग चीजों को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर एक फैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आप लोगों को इन कैंसर के बारे में बताया, हमारे परिवार में यानी कि हमारी फैमिली जो यहाँ पर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग खुद बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर इन सब कैंसर के रिलेटेड चीजों के बारे में जानते थे। आप लोग खुद देखिए, आप तो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम की, आप लोग कितना जानते हैं, तो उन इंसान के बारे में सोचिए अब जो इसके बारे में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। तो कम्युनिटी इंपावरमेंट काफी ज्यादा जरूर है। 50 से 60% जो केस है यहाँ पर हमारी कंट्री में वो अवॉइड किए जा सकते हैं अगर उनके रिस्क फैक्टर के बारे में इफेक्टिवली हम लोग जान सके, यानी कि जितने केसेस हैं उसके लगभग 50% भी अगर हम लोग अवॉइड कर पाए तो ये समझिए 50% लोगों की जान जा पाएगी, ओनली किससे, अगर अवेयरनेस रहे। पर लेकिन अवेयरनेस सबसे बुरी चीज है आज के दिन में हमारी कंट्री में, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, फालतू की चीजें फैला दो, कंगना रनावत को ये हो गया, वहां पर ये हो गया, ये ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जरा सी देर में वायरल हो जाती हैं ये ऐसी ऐसी चीजें, पर लेकिन जब फैक्टिव चीज आती है लोग उसके बारे में उसको वायरल करते ही नहीं है, लोग उसको शेयर ही नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उन पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे, मीडिया वाले उनको कवर नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयर कराना कम जरूरी है, लोगों को डराना, लोगों को एक तरीके से मिर्च वाली खबरें सुनाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो हमारी कंट्री में जो मीडिया है ना वो भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक रेस्पॉन्सिबल पिलर नहीं रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैक्सिमम डिबेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, या सनसनीखेज वाली खबरों के ऊपर, उनको जिस तरीके से जिनका कोई मतलब नहीं होता है, पर लेकिन जो ढंग की न्यूज है, यानी कि एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ये सारे वो मुद्दे जिनको कंप्लीटली इग्नोर मारा जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कम्युनिटी का इंपावरमेंट होना काफी जरूरी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी होगी तो समझ पाएगी कि किस तरीके से चीजें हो सकती है, और मल्टी सेक्टर अप्रोच लेकर आप लोग चलेंगे तभी सोल्यूशन निकाल पाएंगे। मल्टी सेक्टर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सिविल सोसाइटी मिलकर साथ में आएगी तभी हम लोग हेल्थ लिटरेसी के बारे में बात कर पाएंगे, हेल्थ के बारे में लोगों को पढ़ा पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर फोकस देकर चलना है, तभी हम लोग जो पोटेंशियल रिस्क है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो आज की डेट में अगर बात करें, जो अवेयरनेस फैलाना काफी जरूरी है, प्रिवेंट करना है जो स्टिग्मा सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। और नीड है किस चीज की, वो नहीं कहते कि नीड ऑफ आर किसकी है, तो सबसे पहले तो हम लोग को स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की बात की जानी है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी अगर पता चल जाए, और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए जो लोग है ना आज के डेट में अगर किसी को बीमारी हो जाती है,
रही है, तो आप लोग ये समझिए कि उसका इलाज कैसे होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोगों की जो पर्टिकुलर जो फैमिली इनकम है वो इतनी कम है और उन पर बर्डन आ गया 5 लाख का, 5 लाख कैंसर में देने हैं। अब 5 लाख तो जिस इनकम से कमा रहे हैं, अगर उस इनकम से कमाते रहे अगले आने वाले 10 साल में भी नहीं कमा पाएंगे या फिर 20 साल में भी नहीं कमा पाएंगे, तो कहां से वो लाएंगे? तो उनका एक ही तरीका है कि भैया मरने दो, क्या कर सकते हो, अब कोई इलाज ही नहीं है। तो इसलिए ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि जो जनता है उसको एक तरीके से उस ट्रीटमेंट को करा सके, अपने जो घर में कोई पर्सन है उसकी जान बचा सके। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर 1/3 जो रिडक्शन है कैंसर केसेस में, ये बोला जा रहा है कि इंडिया कमिटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, यानी कि SDG जो गोल है उसके हिसाब से इंडिया ये बोलता है कि 1/3 के करीब केसेस हम लोग कम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टोटल 17 है उसका तीसरा गोल यहां पर बात करता है गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। देखिए आप लोग सोच कर देखिए, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है तो ये 17 टॉपिक हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हर एक आंसर में पॉवर्टी के बारे में कुछ लिखना है, जीरो हंगर के बारे में आप लोगों को कुछ लिखना है, भुखमरी के बारे में कुछ लिखना है, एजुकेशन के बारे में लिखना है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में आप लोगों को कुछ लिखना है, क्लाइमेट के बारे में कुछ लिखना है। तो वहां पर इजिली आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेंशन कर सकते हैं, और इवन जब आप लोग कंक्लूड करते हैं वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो वहां पर भी आप लोग इनका यूज कर सकते हैं कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस देकर चलना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये गोल यहां पर ये बातें करता है। तो इस तरीके से अगर इनको आप लोग एक तरीके से तैयार कर लीजिए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो ये आप लोगों को बेसिकली कनेक्ट करने वाली बात होगी कि टॉपिक को आप लोग कहां कहां जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर हेल्थ के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो। इसी के साथ में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि COVID-19, जी हाँ, पर्सनल हाइजीन जो है, जो साफ सफाई आप लोग रखते हैं पर्सनल, जैसे मैंने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात की अभी आप लोगों से, अगर आप लोग उनको साफ सुथरा रखते हैं और ऑयलिंग आप लोग करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग उनको एक तरह साफ सुथरा रखकर ओनली नारियल का ऑयल आप लोग यूज कीजिए, तो इससे बहुत सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है पर्सनल पार्ट्स में वो सारी आप लोगों को दूर होती ही नजर आएगी। तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसके लिए आप लोग को ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली गर्मियों में आप लोगों को कई बार दाद होते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से आप लोग इससे इसको दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चला रखे अच्छे अच्छे, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य भारत हो गया, नेक्स्ट यहां पर स्वच्छ भारत हो गया, पोषण अभियान हो गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हो गई जिसको PM BJP के नाम से जानते हैं। तो ये सारी जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, पर लेकिन मैक्सिमम लोग ये होंगे हमारी कंट्री में जो इनके बारे में भी नहीं जानते हैं, यानी कि अवेयरनेस की कमी देखने को मिलेगी। इनमें से एक दो प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे। मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है, मैं पढ़ रहा था, एक डिस्ट्रिक्ट के DM थे, मुझे एग्जैक्ट एरिया याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा ये बोला कि इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है कि इवन हमको भी नहीं पता रहता है कईयों के नाम तो कि हाँ कौन कौन सी स्कीम चल रही है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्यों ना गवर्नमेंट अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आ जाए, क्या उसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी? अब एक ही चीज के ऊपर हजार पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है, तो जो नॉर्मल इंसान है वो कितना कंफ्यूज हो जाएगा जब पढ़े लिखे एक DM, एक सक्षम पर्सन भी वहां पर बोल रहा है कि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए कि पॉलिसी जो है थोड़ी सी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे ताकि जो लोग है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी के साथ में अदर कई सारे इनिशिएटिव है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया, नेशनल तबेको कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जैसे कैंसर, डायबिटीज, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है, और स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक आज के में बहुत नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कई बार यहां पर ऐसे न्यूज आप लोगों ने न्यूज पेपर में देखे होंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन था, हार्ट अटैक आ गया, अच्छा खासा था यार, हार्ट अटैक आ गया, अभी तो उसकी जाने की उम्र कहां थी। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें ये हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है ना, उसमें इंसान की लाइफ का पता नहीं चल रहा है कि किधर को आया और किधर को निकल गया। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोग के हाथ में वो चेंज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा यहां पर रहेगा, ठीक है। तो जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए कई इफेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, और जब से यहां पर COVID-19 चल रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो हल्का सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो ICMR जो है हमारी कंट्री में एक अपेक्स बॉडी है, यानी कि एक टॉप की बॉडी आप लोग उसको बोल सकते हैं, जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च। जितनी भी स्टडी की जाती है हमारी कंट्री में वो ये काफी बड़ा रोल प्ले उसमें करती है, और ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारी कंट्री में और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी आप लोगों को वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में नहीं, वर्ल्ड में।
आईसीएमआर के बारे में बात करूं तो फंडेड जो की जाती है यहां पर ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है वो फंड करता है। ये जो बनाई गई थी 1911 में बनाई गई थी, यानी कि 100 साल से भी पुरानी बॉडी है हमारी कंट्री में हो चुकी है। इससे पहले इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हम लोग जानते थे, पर लेकिन फिर आगे चलकर कई सारी चीजें ऐड की गई और कई सारी चीजें देखने को मिली तो नाम चेंज कर दिया गया इसका आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसका ये नाम चेंज किया गया। तो इसी के साथ में जब इंडिपेंडेंट हुई तो मैंने बोला कई सारी चीजें ऐड की गई है, तो इसको एक तरीके से इसको नया इसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब दिया गया? 1949 में। और जो आर्टिकल मैंने अभी डिस्कस किया है वो इसी के सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर जनरल ये बलराम भार्गव जी जो है उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसलिए इस बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके बारे में याद रखेगा न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है ये आईसीएमआर, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये बॉडी आती है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, डिटेल में डिस्कस किया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है पार्लियामेंट के बारे में। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसमें आप लोगों को दो हाउस देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा को जनता का हाउस यानी कि पीपल्स हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को एल्डर्स हाउस बोलते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग पढ़े लिखे जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो राज्यसभा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर लोकसभा में मैक्सिमम आप लोगों को लोग जो देखने को मिलते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे आप लोगों को नजर आएंगे, छोड़कर दो को जो कि यहां पर बेसिकली आप लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर देखने को मिलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। राज्यसभा में टोटल मिलाकर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। वो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से चुनकर आते हैं उसका एक तरीके से ओवरव्यू आप लोगों को देना है। ठीक है, आखिर ये आर्टिकल क्यों है? आज है 14th of September। 14th of September क्या है? ये हिंदी दिवस है और हमारी कंट्री में मॉनसून का सेशन आज जो पार्लियामेंट का है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला। तो ओम बिरला साहब हैं लोकसभा के स्पीकर, पर लेकिन एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से मान लिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि आप फॉलो ही करना है। ठीक है, कि क्या होना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर जो होना चाहिए यहां पर वो अपोजिशन से होना चाहिए, यानी कि अपोजिशन पार्टी का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। पर लेकिन सबसे खतरनाक सिचुएशन ये है कि 2019 में इलेक्शन होने के बाद में 2020 में हम लोग पहुंच चुके हैं सितंबर के महीने में, अब तक हमारी कंट्री में जो डिप्टी स्पीकर है उसकी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि कम से कम ये पोस्ट जो है ये भरी जानी चाहिए थी, पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो रवैया है वो यहां पर ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से ये पोस्ट अब तक खाली चल रही है। तो इसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल अभी निकल कर आया है। एक और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, पॉलिटी में मैंने काफी डिटेल में यहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ाया, वो लेक्चर आज जाकर देखेगा, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो किसको रेजिग्नेशन देता है, ये आप लोग बताइए। डिप्टी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देता है और स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देता है और क्यों ऐसा करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, आप लोग ऐसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या फिर कोई इस तरीके से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है पर्टिकुलर एरिया में, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। तो ये काफी डिटेल में मैंने जो पॉलिटिकल हमारे लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको जाकर देखेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। टेलीग्राम पर लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, आइए देखते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। समझते हैं आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। 17th लोकसभा हमारी कॉन्स्टिट्यूट की गई, लगभग एक साल कंप्लीट हो चुके हैं, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई है। आखिर न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि मॉनसून सेशन चलने वाला है, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गया। राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है उसके इलेक्शन के बारे में उसका शेड्यूल यहां पर चलने वाला है, पर लेकिन जो यहां पर अभी फिलहाल अगर बात करें डिप्टी स्पीकर के बारे में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक बार और कंफ्यूजन में आप लोग कई बार आ जाते हैं, जब हम लोग बात करते हैं यहां पर लोकसभा के बारे में तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वहां पर इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, यहां पर कंप्लीट होगा, पर लेकिन डिप्टी स्पीकर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और रीजन क्या है कि जो बीजेपी है जो रूलिंग पार्टी है वो कैलकुलेटेड डिले कर रही है यहां पर, यानी कि वो अपने हिसाब से यहां पर डिले करने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें 9 सितंबर को लोकसभा में जो अधीर रंजन चौधरी हैं ये यहां पर कांग्रेस के लीडर इनके द्वारा बोला गया ओम बिरला साहब को कि इलेक्शन कंडक्ट कराए या फिर कंसेंसस यानी कि सहमति के साथ में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को भरा जाए, पर लेकिन उसके ऊपर कोई भी यहां पर रिजल्ट निकल कर नहीं आया, ये साइलेंट रहे बिल्कुल कंप्लीटली। इसी के साथ में यहां पर अपोजिशन जो पार्टी है कहीं कहीं ना कहीं आप लोग उनको भी बोल सकते हैं कि वो भी एक मुद्दे पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे, इसलिए भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और नॉर्मली ये कन्वेंशन है
कि अपोजिशन को ये पोस्ट दी जाएगी जो कि हमारी कंट्री में डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट होती है। तो इसलिए यहां पर कई लंबे समय से यहां पर लगभग एक साल हो चुके हैं इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। अगर 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद में आप लोग बात करें तो देखिए कई सारे ऑफर यहां पर बताए गए। यहां पर एक तरीके से यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने भी यहां पर ऑफर किया कि हाँ भैया डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भरी जानी चाहिए, पर लेकिन ऑफर किसको किया, ये YRS कांग्रेस यानी कि जो इनके सहयोगी पार्टनर थे उनको इनके द्वारा सपोर्ट किया गया, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। YRS कांग्रेस ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो मुद्दा था वो उसका स्पेशल स्टेटस कैटेगरी वाला जो मुद्दा है वो उसको आगे उठाकर लाना चाहते थे, और अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वो ले लेते यहां पर गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट के बाद में तो फिर वो मुद्दा वो नहीं उठा पाते, यानी कि अपने राज्य का मुद्दा वो सामने निकालकर नहीं ला पाते, तो इसलिए इन्होंने इस पोस्ट को लेने से मना कर दिया। अदर अपोजिशन पार्टी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड रही नहीं है क्योंकि इतनी थम्सअप मेजोरिटी है बीजेपी के साथ में कि दूसरों का कोई ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिख ही नहीं रहा है। इस पर्टिकुलर पोस्ट में कांग्रेस का अगर इंटरेस्ट दिख रहा है तो बीजेपी जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर बात करें दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी ढंग से एक तरीके से इकट्ठा होकर सामने नहीं आ रही है। इसी के साथ में राज्यसभा के बारे में बात करें जो जेडीयू के जो जेडी यहां पर जो बेसिकली पार्टी है, ठीक है, जेडीयू, ठीक है, तो इसके जो हरिवंश जो साहब है यहां पर एक तरीके से बोला गया कि वो हाउस के अंदर डिप्टी स्पीकर जो डिप्टी चेयरमैन सॉरी उसकी पोस्ट तक यहां पर ये पहुंचते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी की सपोर्ट है उसकी चलते यहां पर चीजें हो जा रही है। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें राज्यसभा में काफी लंबे समय से बीजेपी की जो पार्टी है उसकी मेजोरिटी देखने को नहीं मिलती है, पर फिर भी वो अपने जो सहयोगी दल है उनके बेस पर कई बार यहां पर अपने लीडर को बैठाने में सक्सेसफुल हो जाती है। अभी यहां पर कांग्रेस के जो लीडर थे यहां पर हरि प्रसाद उसको ये हरा पाए, ठीक है, 125 से 105 के वोट के जो अगर यहां पर आप लोग काउंट करेंगे 2018 की बात की जा रही है। अब फिलहाल जो बात की जा रही है अभी भी यहां पर लीड कर रहे हैं इनके द्वारा जो मिस्टर हरिवंश के बारे में बात की जा रही है तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि टोटल आप लोगों की रटर नहीं है, समझाने की कोशिश करूं अगर मैं डिटेल में तो ये बोला जा रहा है कि जो बीजेपी है वो ये चाह रही है कि या तो मेरा ही कोई बंदा जान पहचान का मेरी ही कोई एक तरह सपोर्ट करने वाली पार्टी का बंदा जो है वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर बैठा हुआ नजर आए। अगर अपोजिशन को मेनली ये पोस्ट मिल गई तो कहीं ना कहीं हमारी टांग खिंचती हुई नजर आएगी, वो किसी भी तरह का कोई भी हर्डल अपने रास्ते में नहीं चाहते, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो बात की जा रही है जेडीएस के जो मनोज झा हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है, तो इस तरीके से ज्वाइंट कैंडिडेट थे यहां पर अपोजिशन पार्टी के, पर लेकिन अपोजिशन में इतना इंथुजियाज्म देखने को मिल ही नहीं रहा है, कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा अपोजिशन में कई सारे मुद्दों के ऊपर, तो इसलिए ये प्रॉब्लम रहती है कि यहां पर चीजें नहीं हो पाती है। इसी के साथ में कई सारे जो सीनियर लीडर हैं COVID-19 के चलते वो वैसे ही पार्लियामेंट में नहीं आएंगे क्योंकि ये जो बुजुर्ग आदमी है उन पर इसकी बीमारी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से अलग मुद्दा बन रहा है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी थम्सअप मेजोरिटी के साथ में आई है, वो अपोजिशन का जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है उसको इंगेज ही नहीं कर पा रहे, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि आप ऐसा कुछ होना चाहिए। जब यहां पर अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं तो स्पीकर जो है वो उसको स्टार्ट करने के लिए तैयारी नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, तो एक तरीके से ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि इस तरीके की पोस्ट में यहां पर कोई अपोजिशन का मेन बंदा यहां पर आगे बैठे, तो एक तरीके से वो नहीं है मुद्दा जो है कि हां एक तरीके से विपक्ष को तबाह कर रखेंगे, तो यही कोशिश यहां पर की जा रही है जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कि कोई विपक्ष में हो ही ना। और ऐसे कैसे पॉसिबल है आप लोग किसी गवर्नमेंट के बारे में कैसे ऐसे बात कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट चल पाएगी बिना विपक्ष के, तो उसके बारे में थोड़ा समझिए, ठीक है। अपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं आप लोग, डिप्टी स्पीकर काफी ज्यादा जरूरी है और इसमें सुधार हम लोगों को करना चाहिए, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट आनी चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा उदार होना चाहिए और अपोजिशन को थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए। ना तो अपोजिशन ज्यादा क्रिएटिव है और ना ही गवर्नमेंट इतनी उदार है कि वो यहां पर काम करें, तो दोनों मिलकर अगर आएंगे सामने निकलकर तो सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, वरना ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं दिखेगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे तो देखा नहीं जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लेकिन लाइफ जो एग्जाम पर आप लोग देखोगे लाइफ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये कुछ एस्टिमेशन सामने निकल कर आए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसके द्वारा बोला गया कोरोना वायरस का फियर जो है और प्री कंसेप्शन जो एडवाइस है उसके बारे में बात की जा रही है। क्या है बेसिकली, देखिए कोरोना वायरस का फियर जो है वो एक स्टार्टिंग में इतना ज्यादा था कि बहुत कम केस आ रहे थे, लोग डर रहे थे, पर लेकिन आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि केस जो है वो हमारी कंट्री में 90,000 से ऊपर आ रहे हैं डेली और लोगों ने डरना बंद कर दिया है। तो इसके चलते एक ऐसा बर्डन बढ़ता जा रहा है कि जो नई नई जो प्रेगनेंसीज हो रही है वो एक तरीके से खतरे में यहां पर पड़ जा रही है।
समझाने की कोशिश की गई यहां पर। अगर बात करें मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न जो केयर है उसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो एसोसिएशन है जो रिसर्च है उसके द्वारा कई सारी गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है इस इश्यू को टैकल करने के लिए। इसी के साथ में यहां पर एडवाइस किया जा रहा है कि डिले किया जाए प्रेगनेंसी को इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में कम से कम, वरना कई सारी ऐसी चीजें जो यहां पर एक तरीके से जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हालांकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये प्लेसेंटा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो बेबी होता है, जो बेबी के चारों ओर यहां पर एक तरीके का जो इस तरीके की जो लेयर होती है वो क्या काम करती है, ये प्लेसेंटा लेयर कहलाती है। ये बेबी को बेसिकली सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, यानी कि एक तरीके से जो बेबी का जो सारा टोटली जो उसका पोषण होता है वो सारे इस प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पार्ट में जाता है। ये प्लेसेंटा जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये समझिए कि बेबी का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। और खासकर कोविड 19 के जो केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, कई सारी चीजें ये देखने को मिल रही हैं कि अगर कोई एक तरीके से मदर है और मदर के पेट में कोई बेबी है और उसको अगर कोरोना वायरस हो गया है तो देखिए बेबी को होने के चांसेस या फिर कोई बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा हैं। पर लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि मदर को सिम्टम्स नहीं है, यानी कि मदर को दिखने वाले सिम्टम्स नहीं है, ऐसे सिम्टम्स है जिससे मदर आराम से टैकल कर जा रही है, लड़ जा रही है, और वो सिम्टम्स जो है बच्चे तक एक तरीके से वो सिम्टम्स जो है मदर के शरीर पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, पर लेकिन बच्चे के शरीर पर बोल रहे हैं कि वो सिम्टम इंपैक्ट डाल रहे हैं। यानी कि जो केसेस सामने निकल आए कि मदर पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, उसका इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी जो है वो ठीक है, हेल्दी है, पर लेकिन बच्चे के ऊपर उसका सिम्टम्स का क्या प्रॉब्लम पड़ रही है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जरा जरा सी बीमारी जो है वो बच्चे को यहां पर लग जा रही है और बच्चे के एक तरीके से आने वाले टाइम में जान जाने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं बीमारी के चलते। यानी कि बच्चे का इम्यून सिस्टम, बच्चों का रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती नजर आ रही है। तो इसीलिए यहां पर जो ऐसे ये एक तरीके से वो नहीं कहते कि छुपे हुए जो लक्षण सामने निकल कर आ रहे हैं जिनके बारे में अब तक आइडिया नहीं लग रहा था, उसके चलते यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी कंट्री का ICMR जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आप लोग बोलते हैं, उसने सजेस्ट किया है अभी कि कोई भी अभी फिलहाल जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है अगर कोई चाहता है कि बच्चा पैदा करना है तो उसको थोड़ा डिले करने की कोशिश करे, खासकर जब तक जो पेंडेमिक है ये पेंडेमिक वाली प्रॉब्लम नहीं निकल जाती है, वरना बच्चा तो पैदा हो जाएगा पर लेकिन उसके बचने के चांसेस और इसी के साथ में आगे उसके हेल्थी रहने के चांसेस जो है वो काफी कम यहां पर हो जाएंगे। तो ये चांसेस अगर ऐसे बढ़ते हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पूरा जो ग्रोथ बेबी का होता है वो मां के पेट में होता है और मां जो खाएगी पिएगी सोए जिस तरीके से खाएगी पिएगी, जैसे वो अगर वो अच्छी नींद लेगी या फिर जैसी उसकी डाइट रहेगी तो जितनी खुश रहेगी उसी तरीके से बच्चे के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये समझिए कि मां की बॉडी में अगर कोई भी किसी तरीके का रोगाणु आता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहां पर बच्चे की भी एक तरीके से जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक छोटी सी पिक्चर भी शेयर की थी कि हमारे घर में एक भैंस थी, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है और उसके पेट में 9 महीने का जो बेसिकली बच्चा था, मतलब वो अभी अगर ठीक ठाक थोड़ी रहती तो लगभग 10-15 दिन के अंदर वो बच्चा जो था वो पैदा हो जाता, पर लेकिन हुआ क्या, वो उसकी डेथ हो गई यहां पर भैंस की। और मैंने जब देखा उसके भैंस के पेट पर हाथ रखकर तो लगभग, मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग यहां पर कई मिनट तक जो है वो बच्चा जो है उसका दिल धड़कता रहा, तो वहां पर कई मिनट तक उसको फील कर सकते थे, पर लेकिन फिर आराम आराम से उसकी धड़कन भी बंद होती चली गई। यानी कि मां का एक तरीके से जान गई मां की, पर लेकिन बच्चा पेट में था तो बच्चे की भी जान चली गई। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मां के साथ में पूरा कनेक्शन होता है बच्चे का, जितनी हेल्दी मां रहेगी उतना ही हेल्दी यहां पर बच्चा रहेगा, तो इसलिए ये प्रिकॉशन लेकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम। तो ये यहां पर बातें समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को बच गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, या तो नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे उसको नेक्स्ट डे, या फिर संडे में डिस्कस कर लेंगे। संडे में आप लोगों को याद होगा मैंने 4 आर्टिकल डिस्कस किए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से एक आर्टिकल था FCRA के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी ताकि आप लोग सर्च करें कभी भी FCRA के बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। बाकी 3 आर्टिकल जो है हम लोगों ने द हिंदू की वीडियो में डिस्कस किए थे। तो कोई भी आर्टिकल आप लोग बच जाते हैं अगर कुछ ऐसा टाइम का इशू रहता है जिसमें मुझे, देखिए थोड़ा सा डिटेल में जब आर्टिकल हो जाते हैं ना, वरना फिर वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि डिटेल में आप लोगों को चीजें समझाई जाए, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे। तो इसलिए कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आर्टिकल में नहीं होती है, ICMR के बारे में बताया, ठीक है, आर्टिकल में कहीं भी यहां पर ये पिक्चर नहीं थी, ये सारी पिक्चर जब ढूंढी इनमें टाइम लग जाता है, ये सारी जो पिक्चर आप लोगों को दिखाएगी ये सारा टाइम लगता है ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको। तो बेसिक पर्पज इसका ये रहता है कि आप लोग ढंग से डिटेल में चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। तो इसके चलते डिटेल में चीजें समझनी है तो एक आर्टिकल में से इतनी सारी चीजें कवर हो जाती हैं कि आप लोगों के माइंड में कभी भी फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा उसको लेकर, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छी सी चीजों को पढ़िए, जितना मजा मैं पढ़ाने में लेता हूं उतना ही मजा आप लोग पढ़ने में लीजिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी जो मैंने बताया 27 जो स्कीम वगैरह मैंने आप लोगों को बताई है वो यहां पर शेयर कर दी गई है,
टेलीग्राम पर आप लोग जाकर एक बार उनको देख लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले और सारी पीडीएफ भी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है, जैसे ओल्ड इंडिया रेडियो की न्यूज हो गई, या फिर आप लोगों को लेक्चर का लिंक एक तरीके से यहां पर मिल जाता है, या फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता तो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं। कई लोग, एक बच्चा बोल रहा है कि सर ट्विटर पर तो ऐसा लगता है आप लोग बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ में हो। यार बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ में नहीं है, बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि दुश्मन पार्टी है, पर हाँ जब गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, अब अपोजिशन तो कुछ गलत करेगी नहीं यहां पर आकर, क्योंकि पावर में गवर्नमेंट है, तो उसके जो भी यहां पर काम चलते हैं उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो कल योगी जी के बारे में एक कमेंट था वहां पर, उसको लेकर बच्चे कई सारे सीरियस हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये लगता है कि देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है थोड़ा सही से काम करती रहे, जिस तरीके से इतनी शिद्दत से हम लोगों ने उनको वोट दिया है उतनी शिद्दत से वो काम भी करें, तो वो चीजें रहती है बेसिकली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट थॉट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवर है किसी को अपोज में है। हाँ अगर आप लोग थोड़ा सा पहले चीजों को देखोगे, जब पहले से आर्टिकल पढ़ते थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर कांग्रेस की चीजें भी बुरी लगती थी, कांग्रेस ने जितनी भी बुरे कांड किए उस टाइम पर तो सारे क्रिटिसाइज करता था उस टाइम पर भी मैं। पर लेकिन अब आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कल को कांग्रेस आ गई तो अगर तुम मेरा डिस्कशन देखोगे या फिर मेरे जो पोस्ट देखोगे आप लोग बोलोगे कि सर आप तो कांग्रेस के खिलाफ में हो। तो बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली मतलब है गवर्नमेंट से, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो हमारी जनता के लिए सही काम करें, एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अनएम्प्लॉयमेंट जो यहां पर देखने को मिल रहा है उसको अच्छे से यहां पर देखो, बेसिकली लोगों के पास में जॉब होनी चाहिए। तो ये जो मेन इशू है कम से कम उनको तो टैकल करके चले, और उसको छोड़कर अलग ही मुद्दे चलते हैं तो वो चीजें थोड़ा सा इरिटेट करने लगती हैं कई बार, ठीक है, कि कितनी शिद्दत से वोट दिया था यार और कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। तो कोई नहीं, चलिए आप भी अपने विचार जरूर रखिए, इससे आप लोग भी जागरूक हो पाएंगे, और पढ़े लिखे लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो यार कौन आवाज उठाएगा। आप लोगों के पढ़ने लिखने का फायदा क्या है, हमारा संविधान पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाया गया है, उस संविधान को आज की डेट में अगर बचाएंगे तो पढ़े लिखे लोग ही बचाएंगे। पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज है अगर अच्छे लोग वहां पर जाएं, पर लेकिन अच्छे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है इसलिए पॉलिटिक्स गंदी होती जा रही है। ये तो वही बात हो गई, घर के सामने कीचड़ पड़ा हुआ है, आप लोग उसको हटाने के लिए तैयार ही नहीं है कि कीचड़ बड़ा गंदा होता है, और बढ़ता चला जाएगा यार नहीं हटाओगे तो कोशिश करो कि जहां पर आप लोग जाकर कुछ अच्छा कर सकते हो तो जरूर एंट्री रो, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। अगर लेक्चर पसंद नहीं आता ना, इरिटेशन लगती है, कोई गलत चीजें बोल दी है तो तुरंत डिसलाइक किया करो, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया ताकि इंप्रूव कर सके, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।